आप सब लोगों को मेरा चैनल रिफ्रेशन नॉलेज में स्वागत है। मैं हूं सजीत। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉस्टफ्री रेफ्रिजरेटर में ऊपर कूलिंग सही तरीके से हो रहा है, लेकिन नीचे कूलिंग कम होता है। इसके वजह क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आपको मैं बताया था कि इस प्रकार जो प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम में कौन सा पार्ट्स को चेक करना है और किस प्रकार चेक करना है। अगर दोस्तों इस प्रकार ये सभी पार्ट्स ठीक रहने के बाद भी कभी कभी हम लोगों को नीचे कूलिंग कम हो रहा है और ऊपर प्रॉपर कूलिंग मिलता है, इसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरा अलग से ही प्रॉब्लम है। तो आपको मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा वो किस प्रकार ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, अपने फ्रॉस्टफ्री रेफ्रिजरेटर और नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, इसमें मेन फर्क होता है कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में जो डिफ्रॉस्टिंग करने का है वो फंक्शन हम लोगों को खुद करना पड़ता है, हफ्ते में 2 या 3 बार करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हफ्ते में 2 बार डिफ्रॉस्टिंग करना ही करना है। लेकिन फ्रॉस्टफ्री रेफ्रिजरेटर में हम लोगों को डिफ्रॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर खुद 8 घंटे के बाद कंप्रेसर को बंद करके हीटर को चालू करता है और हीटर डिफ्रॉस्टिंग करता है। जैसे ही डिफ्रॉस्टिंग करता है हीटर, तो इवेपोरेटर कॉइल में जो भी बर्फ बन जाता है वो पिघलता है और वो पिघल के एक ड्रेन पाइप के जरिए कंप्रेसर के ऊपर लगाया हुआ एक ट्रे में पानी जमा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो ड्रेन पाइप है ये चोकअप होने के वजह से ये जो पानी पीछे ट्रे में जमा नहीं होता है, वो पानी इवेपोरेटर के नीचे ही जम जाता है। और जैसे ही रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट मोड से कूलिंग मोड में आता है, तो इवेपोरेटर में कूलिंग तैयार होता है और टेम्परेचर कम होने लगता है और ये जो पानी भी साथ में बर्फ हो जाता है। ये सिलसिला जैसे जैसे आगे चलता है तो बर्फ का क्वांटिटी भी बढ़ जाता है और बर्फ आगे आगे फैल कर जिधर से ठंडा हवा नीचे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जाता है वहाँ के पूरे रास्ते को बंद कर देते हैं और ये ठंडा हवा नीचे जा नहीं पाता है और वहाँ पे कूलिंग कम होने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह से नीचे कूलिंग बंद हो जाता है। अगर इस अवस्था में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रेफ्रिजरेटर को कम से कम 6 या 12 घंटे बंद रखना चाहिए, उसके बाद ड्रेन पाइप को क्लीन करना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर इस समय में आप लोग अगर गर्म पानी डाल के ये बर्फ को पिघलाता है तो ड्रेन पाइप क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे यानी जहाँ से ठंडा हवा नीचे जाता है वहाँ पे जो बर्फ जमा हुआ है वो बर्फ नहीं पिघलता है पूरी तरह से। और वैसे ही वापस आप लोग फ्रिज चालू करता है तो वो वापस वो बर्फ जम जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को कंपलसरी फ्रिज को पूरा तरह 12 घंटा या 6 घंटे तक फ्रिज को पूरी तरह से बंद रखना है, उसके बाद ही क्या करना है, ड्रेनेज को क्लीन करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलना।